नमस्कार, लाइव उत्तराखंड में आप मेरे साथ, मैं हूं श्वेता वर्मा। रांची की एक महिला ने 3 साल पहले प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचे जाने संबंधी एक पत्र एनआईए को भेजकर सनसनी फैला दी। पत्र मिलने के बाद पिछले हफ्ते एनआईए और आईबी समेत कई केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम रांची आई थी। हालांकि एजेंसियों की शुरुआती जांच में हत्या की साजिश को पुष्ट करने वाला कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी केंद्रीय एजेंसियों ने संदिग्धों की पूरी जानकारी राज्य पुलिस की विशेष शाखा को दे दी है। विशेष शाखा संदिग्धों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। रांची के नया सराय में एक महिला ने करीब एक हफ्ते पहले एनआईए रायपुर के ईमेल पर एक पत्र भेजा था। पत्र में लिखा था कि उसके ससुराल के लोगों ने 3 साल पहले प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची थी। महिला की शिकायत थी कि उसके ससुराल के कुछ सदस्य सऊदी में काम करते हैं, वहां से भी इसके लिए फंडिंग हुई थी। पत्र मिलने के बाद एनआईए रायपुर ने पूरे मामले की जानकारी एनआईए मुख्यालय को दी। इसके बाद एनआईए व आईबी की टीम रांची पहुंची थी। मामले की जांच में ये भी सामने आया है कि महिला ने ससुराल के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा है। महिला ने देवर को ही हत्या की साजिशकर्ता बताते हुए पत्र भेजा था। राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक हालांकि महिला के दिए तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है, हालांकि अब तक कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। अक्टूबर 2013 में नरेंद्र मोदी की पटना स्थित सभा में रांची के युवकों ने धमाका किया था। रांची के सीटीओ मॉड्यूल के इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य इम्तियाज अंसारी समेत 5 युवक इस मामले में मौका वारदात से पकड़े गए थे। विस्फोट से जख्मी एक युवक की मौत भी तब हो गई थी। रांची के ही हैदर और ब्लैक ब्यूटी मुजीबुल्ला समेत कई संदिग्धों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।